ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांत व्यापी आह्वान पर संपूर्ण जिले में किसानों की ओर से मांग दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले के एक सैकड़ा से अधिक गांव में विरोध कार्यवाहियां आयोजित की गईं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। विभिन्न गाँवों में, खेतों में, खलिहानों में, घरों से किसानों ने विरोध कार्यवाहियां आयोजित की, जिसमें पोस्टर लेकर मांग की गई। मुख्य सरसों सहित सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने, फसल खरीदी का पूरा भुगतान करने, बैंक, बिजली, सोसाइटी सहित सभी तरह की वसूली स्थगित करने, प्रत्येक के खाते में 7,500 रुपये जमा कराने, मंडी एक्ट में किए गए संशोधन वापस लेते हुए विपणन व्यवस्था का निजीकरण रद्द करने, प्रवासी मजदूरों की वापसी की व्यवस्था शासन स्तर पर सुनिश्चित कराने की मांग की गई। इन विरोध कार्रवाइयों में मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक तिवारी, जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा, जिला उपाध्यक्ष गयाराम सिंह ठाकर, सहायक महासचिव ओम प्रकाश श्रीवास व किसान नेताओं ने अगुवाई की। किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि कोरोना के प्रकोप की स्थिति में किसान भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनको उपरोक्त मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर शक्कर कारखाने के बकाए का भुगतान करने, कारखाने को चलाने संबंधी किए गए वादों को भी पूरा करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।